तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पदभार ग्रहण करते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक अपने वादों को पूरा करने की कड़ी में उन्होंने अपना एक और वादा निभाया। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार यानी आज से प्रजा दरबार शुरू कर दिया है। प्रजा दरबार के जरिए सीएम सीधे लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। सीएम ने पहले ही कहा था कि वे शासक नहीं सेवक बनकर काम करेंगे, जिस पर वे खरे उतरने की कोशिशों में लग गए हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सत्ता की कमान संभालते ही नियमित रूप से प्रजा दरबार आयोजित करने की बात कही थी, जिसका पहला आयोजन शुक्रवार यानी आज हुआ। इसके जरिए रेवंत रेड्डी को लोगों से जुड़ने और जनता की समस्याओं को हल करने का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। रेड्डी ने कहा कि राज्य का विकास दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा और सरकार लोगों के लिए सेवक की तरह काम करेगी, न कि शासक की तरह। इस तरह रेवंत ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार जनता की सरकार है, जिसमें लोगों की बातें सुनी जाती हैं। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि प्रजा दरबार में अच्छी खासी संख्या में लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जिनको सीएम ने खुद देखा और समाधान के निर्देश भी दिए। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय और आवास प्रगति भवन के चारों तरफ लगे बैरिकेड और लोहे के अवरोधों को हटाया गया था। इसको लेकर रेवंत रेड्डी ने बताया था कि मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय और सह आधिकारिक आवास प्रगति भवन के चारों ओर बैरिकेड और लोहे की बाड़ को हटा दिया गया है और अब से ये ज्योतिराव फुले भवन कहलाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय सह आधिकारिक आवास अब से सभी के लिए सुलभ होगा और प्रजा दरबार आयोजित किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो राज्य में प्रजला राज्यम यानी कि लोगों की सरकार कायम होगी। सीएम ने सत्ता संभालते ही अपने कुछ वादों को अमली जामा पहनाना भी शुरू कर दिया है। सरकार 9 दिसंबर से लोगों को दी गई 6 में से 2 गारंटियों को लागू करना शुरू कर देगी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ये निर्णय लिया गया। घोषणा पत्र में किए गए अन्य वादे सरकार के इस 5 साल के कार्यकाल में पूरे किए जाएंगे।